You are audible and visible in the comment section so that I could start my class. So guys, am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ग्रेड अप. आई होप योर प्रिपरेशन इज फाइन. अच्छी चल रही होगी प्रिपरेशन, हम उम्मीद करते हैं. सो एज यू ऑल नो दैट डेली एट 4 PM वी कम अप विद द कैन से द वन शॉट रिविजन सीरीज फॉर ए लेट जामिया एम एच सी टी एंड अदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स ऑफ लॉ, है ना. सो गाइज, अगर मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़ राइट येस सर यू आर ऑडिबल एंड विजिबल. येस. सो अनु, दीपांशु, शिखर, एम एस धोनी, येस. गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन वी आर हैविंग सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. वी आर प्रोवाइडिंग अ फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल अवर ग्रेड अप सुपर कोर्सेज. यू हैव टू यूज द कोड मिशन 50 टू गेट 50% ऑफ. सो मिशन पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, मिशन पॉसिबल के अंडर वी आर प्रोवाइडिंग 50% ऑफ ऑन ऑल अवर ग्रेड अप सुपर कोर्सेज. यूज द कोड मिशन 50 टू गेट 50% ऑफ. येस, सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. वी आर हैविंग अ क्लैट 2022 बैच. अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई फ्रेंड जूनियर कर रहा है, आप उनको बता दें. वी आर हैविंग बोथ टाइप ऑफ बैचेस. वन इट विल बी प्योरली इन इंग्लिश. ओके, वेयर द फैकल्टीज विल बी स्पीकिंग कम्प्लीटली इन इंग्लिश. दोज हु हैव प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी, दे कैन ज्वाइन दिस बैच. एंड देर इज अनदर बैच जिसमें बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, जिसमें फैकल्टीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलेंगे. ठीक है, सो दैट विल बी फॉर दोज हु हैव प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश. सो वी आर हैविंग बोथ टाइप ऑफ बैचेस. इफ यू हैव एनी क्वेरी कॉल ऑन दिस नंबर. इस नंबर पर कॉल करें. रिमेंबर, वी आर प्रोवाइडिंग अ 50% ऑफ ऑन. Use the code MISSION50 to get 50% off. Yes, these are the benefits of the preparation courses, the CLAT 2022 comprehensive preparation courses. It will be a 10-month course. Doubt clearing sessions will be there. Plus, it will be guided by experts from NLU. And you will be taught from scratch to CLAT level. Okay, you will be taught from zero to CLAT level. Tak padhaya jayega. So, do join it as early as possible before it's too late. Remember guys, we are providing a 50% off for hardly 1, 2 or 3 days. उसके बाद ये ऑफर चला जाएगा. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर वन. सो द क्वेश्चन नंबर वन सेज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैज साइंड एन एमओयू विद राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम फॉर जॉइंट इंडक्शन ऑफ एन एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम कॉल्ड शीट फॉर द इंडियन नेवी. राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम बिलोंग्स टू विच कंट्री. योर ऑप्शन आर इटली, इसराइल, रशिया, फ्रांस, यूके. एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब यू कैन अंडरस्टैंड लाइक इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन अग्रीमेंट. इट इज नथिंग बट एन अग्रीमेंट. तो आपको ये बताना है कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ भारत डायनेमिक्स, जो कि इंडिया की कंपनी है, उसने एंटी टॉर्पिडो डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए, जिसका नाम है शीड, एक टाई अप किया है. अब आपको बताना है कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कहाँ से. सो गाइज, एवरीवन, गुड इवनिंग गाइज. अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस, गुड इवनिंग. ओके, सो राइट इन द कमेंट सेक्शन गाइज, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बी, इसराइल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम. दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन हेफा इन इसराइल. सो राइट आंसर बी है. ठीक है, ये इट्स लाइक वी हैव DRDO इन इंडिया. हम लोग यहाँ जैसे DRDO होता है ना, उसी तरह इसराइल में राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम होता है. ओके गाइज, येस अनु, अ लॉट ऑफ पीपल राइट बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. दोज हु आर आंसरिंग फ्रांस, लेट मी क्लैरिफाई फॉर देम. देखो, आपने गड़बड़ कर दिया ये समझ के. राफेल इज अ जेट, इसकी स्पेलिंग है RAFAL, इफ यू सी इट केयरफुली. एंड दिस इज अ जेट मेड बाई अ फ्रेंच कंपनी कॉल्ड एज Dassault Aviation. दिस इज अ फ्रेंच कंपनी which is making a jet called as Rafael jet, RAFALE. ठीक है, और ये जिसकी बात कर रहा हूँ ये राफेल है, RAFAEL, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम. ये एक तरह का DRDO है, इसराइल का DRDO, आप समझ लो. सो इट इज़ अ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसराइल. सो प्लीज डो नॉट गेट कन्फ्यूज, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज अ जेट नेम. ओके, प्लीज डो नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस एंड द राफेल जेट. ओके, येस, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड मी करेक्टली बी. Yes, Anam Khan, a lot of people write B is the right answer to this question. Okay, so what is anti-torpedo defense system? So, I will tell you in short. I hope you are aware of submarine. So, what submarine does is, submarine kya karti hai? Ja karke navy, koi bhi ship ja rahi hai, us par attack karti hai, dushman ki ship, right? So, that is called as torpedo.
So the missile use karti hai, the missile used by submarine, that is called as torpedo. So to counter that torpedo, we need to have anti-torpedo system, right? तो एक इंडिया ने बनाया है, एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, मारीश सिस्टम. सो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एंटी टॉर्पिडो डिफेंस सिस्टम. यू कैन रिमेंबर लाइक दिस. ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर टू. द क्वेश्चन नंबर टू सेज, नेम द एरोस्पेस कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड स्टारडस्ट 1.0, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट लॉन्च पावर्ड बाई बायोफ्यूल. पहला कॉमर्शियल रॉकेट जो कि बायोफ्यूल से चलेगा, उसको लॉन्च किया गया स्टारडस्ट 1.0. ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, स्पेसएक्स, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन या नॉर्थ्रॉप ग्रुपमैन? दीज आर ऑप्शंस. यस गाइस, एवरीवन प्लीज आंसर इट. एंड यस एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. वी आर सीइंग ओनली 14 लाइक्स. एवरीवन 97 आर वाचिंग, वी आर सीइंग ओनली 14 लाइक्स. गाइस एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एक बार. यस, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, ब्लू शिफ्ट टेक्नोलॉजी. ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस इज द राइट आंसर. यस, अनम खान इज राइट. And Priya Bharti, a lot of people write, yes, people have answered me correctly. A is the right answer to this question. What is Stardust 1.0? The first rocket to run on biofuel. So world level pe pehla ek rocket hai, jo ki commercial rocket hoga, jo ki biofuel per chalega. Okay, so this is Blue Shift Aerospace Company. Of course, it is a US based company. Iske baare mein agar aap chahein to aur detail mein padh sakte. Yes, a lot of Priyanka, Prathmesh, Swati, a lot of people are right. A is the right answer to this question. The next one is Kumari, a lot of people right. The question number 3 says, PM Modi handed over Arjun main battle tank MKA-1A to Army Chief General Manoj Mukund Naravane. The tank has been indigenously designed and developed and made by which establishment? Your options are Combat Vehicle Research and Development Establishment, Advanced System Laboratory, Aerial Delivery Research and Development Establishment, Armament Research and Development Establishment, Center for Fire, Explosive and Environment Safety. These are your options. Arjun tank jo hai, jo ki abhi recently, I would say 5-6 months back, it is the news of January, February. Arjun tank kisne banaya hai? Matlab, indigenously matlab hota hai make in India. So it has been made in our own country. We have not imported anything from anywhere else. So it has been developed by whom? Guys, everyone, please answer it. Okay, the right answer is yes, Anam Khan is right. A lot of people are right. In fact, A is the right answer to this question. So Arjun MBT, you can see this main battle tank. Uttam Yadav is also right and other people are also right. Yes, Priyanka, Ultraviolet, Prathmesh, a lot of people at Gohar. अंशिका सी देखो, इसमें मैन्युफैक्चर क्या लिखा है, कम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड हैवी व्हीकल फैक्ट्री. सो प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज अ लेबोरेटरी ऑफ DRDO. सो इफ DRDO इज एन ऑप्शन, दैट इज ऑल्सो राइट. इफ दिस इज एन ऑप्शन, दैट इज राइट. इसलिए कि ये उसी के DRDO ही की एक लेबोरेटरी है, तो इसीलिए कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा. ओके, ऑफकोर्स लोकेशन इज इन चेन्नई. Okay, the next one is question number 4, which says, which of the following Indian edutech company has become the global partner of International Cricket Council from 2021 to 2023? Your options are Unacademy, Byju's, GradeUp, Vedantu ya EduCart. Isme se kaun se edutech company jo hai wo global partner banegi International Cricket Council ICC ki global partner 2021 se 2023 ke beech mein? These are your options. And the right answer to this question is actually B, Byju's is the right answer to this question. So B is the right answer, guys. Okay, ICC announces Byju's as a global partner until 2023. Just remember it, it's a February news. Yes, let's move on further to the next question. That is question number 5. So yes, people have answered me B. Yes, Gohar is right, Gonika is right, Afreen, Uttam, you all are right. B is the right answer to this question. The next one is question number 5, which says, who has won women's single title in Australian Open 2021? Your options are Jennifer Brady, Simona Halep, Sofia Kenin, Naomi Osaka, Serena Williams. These are your options. Australian Open 2021 mein women's single title 2021 ka kaun jeeta, kisne jeeta hai? Jennifer Brady ne, Simona Halep ne, Sofia Kenin ne, Naomi Osaka ne ya Serena Williams? Yes guys, everyone, the right answer is of course D, Naomi Osaka is the right answer to this question. She has won the women's single title in Australian Open 2021. And yes, a lot of the very good, I know, bahut sare log ne answer kiya D. I cannot take everyone's name. Sudhir, Gohar, Anshika, Ujala, Sudhir, Anshika, Deepanshu, a lot of Prateek Singh, a lot of people right.
Anam Khan, Afaq. So the next is question number 6, which says, who became the 6th Indian bowler to take 300 wickets in Test cricket in his 98th Test against England at Chennai? Your options are Ishan Sharma, Ravichandra Ashwin, Jasprit Bumrah, Ravindra Jadeja, none of the above. कौन से 6th इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 300 विकेट लिए टेस्ट में, अपने 98th टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ? यस गाइस, एवरीवन, यस एवरीवन, प्लीज प्रेस द लाइक बटन आल्सो. वी आर सीइंग ओनली 38 लाइक्स, 100 प्लस आर वाचिंग. सबको एक बार प्रेस कर दो लाइक बटन. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, ईशांत शर्मा इज राइट. यस प्रथमेश, ध्रुव, आफरीन, बहुत सारे लोग सही है. अनम खान, सुधीर मिश्रा, यस ईशांत शर्मा जॉइंस एलीट टेस्ट ऑफ इंडियन पेसर विद 300 टेस्ट विकेट्स. सो प्लीज रिमेंबर इट. ठीक है, ओके. सो यस, लेट्स मूव ऑन. तो और भी लोग हैं इससे पहले जो लें, अनिल कुंबले, कपिल देव, रविचंद्र अश्विन, हरभजन सिंह, जहीर खान, दीज आर द अदर पीपल, एंड देन ही इज द ईशांत शर्मा, 6th बॉलर. ठीक है, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. यस श्रुति, गुहर, अनम, ध्रुव, अकरन, आफाक, ए लॉट ऑफ पीपल वर राइट. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच सीज, जैस्मिन हैरिसन हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री, हु हैज बिकम द यंगेस्ट वुमन to row solo across the Atlantic Ocean. Your options are France, Italy, Spain, England, Belgium. Jasmine Harrison किस कंट्री से बिलोंग करती है जिन्होंने, जो यंगेस्ट वन बनी है अकेले, सोलो मीन्स अलोन, अकेले अटलांटिक ओशन क्रॉस करने में? ओके, सो दीज आर योर ऑप्शन, फ्रांस, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, बेल्जियम. गाइज एवरी वन प्लीज आंसर इट. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज D, England is the right answer to this question. Yes, people are right. Shikhar, negative vibes, Anshu, SI, Gaurav, yes, negative, Bonika, Anam, Swati, Lalita, a lot of people right. D is the right answer to this question. Dekho, New York Times ki article hai. She rode across the Atlantic joining a new wave of extreme endurance athlete. Dekho, main map mein dikhata hun. So, here is Europe. Theek hai. Here you will find USA, Canada, hai na? और ये बीच में जो है, दिस इज कॉल्ड एज अटलांटिक ओशन. तो उस लेडी ने इंग्लैंड एकदम, देख लो, इस पूरे अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर गई अकेले, अलोन, सोलो मीन्स अलोन. ओके, सो दैट इज अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात है ये, है ना? ठीक है, रॉ सोलो, बोट से अकेले, 70 डेज, 3 आवर्स 48 मिनट में. ठीक है, यस, सो दैट इज अ वेरी ह्यूज फीट. यस, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच सीज, विच टीम हैज वन T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021? योर ऑप्शंस आर कर्नाटक, तमिलनाडु, बड़ौदा, रेलवेज, दिल्ली. 2021 T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक ने, तमिलनाडु, बड़ौदा, रेलवेज, दिल्ली. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, तमिलनाडु इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021, इनविंसिबल्स तमिलनाडु क्रश बड़ौदा बाय 7 विकेट्स टू विन सेकंड टाइटल. ठीक है, दूसरी बार उन्होंने जीता तमिलनाडु में. सो प्लीज रिमेंबर दिस वन. ओके, यस, सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. अ लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड मी. इट वॉज लेड बाई अफसोस, द कैप्टन वॉज दिनेश कार्तिक, राइट? सो अ लॉट ऑफ पीपल राइट, अनम खान, विपुल, दीपांशु, गौरव, कुमारी, स्वाति, आशुतोष, अनम खान, अ लॉट ऑफ प्रतीक सिंह. बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, अनु वर्मा, रितिका. Okay, the next one is question number 9, which says, who has won the Australian Open men's single title 2021? Your options are Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniel Medvedev, Alexander Zverev, Dominic Thiem. किसने Australian Open men's single title 2021 जीता है? Rafael Nadal ने, Novak Djokovic ने, Daniel Medvedev ने, Alexander Zverev ने, Dominic Thiem ने? These are options. The right answer to this question is B, Novak Djokovic is the right answer. Yes, Yuvraj, Gohar, Anshari, Anam, Ankit, Jhalak, a lot of people, right? So, Australian men's final, as it happened, Novak Djokovic beats Daniel Medvedev for 18th Grand Slam title. Okay? So, just remember it, Novak Djokovic ne it jeeta hai. Okay, the next one is question number 10, which says, Asian Games gold medalist athlete Hima Das has been appointed as DSP, Deputy Superintendent of Police, by which state? Assam, West Bengal, झारखंड, कर्नाटक या त्रिपुरा? हिमा दास एक बहुत मशहूर एथलीट हैं, ठीक है, जिनको एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला था. तो उनको कुछ महीनों पहले डीएसपी बनाया गया था, किस स्टेट के द्वारा? असम के द्वारा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कर्नाटक या त्रिपुरा के द्वारा? ओके गाइस, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. वी आर सीइंग ओनली 53 लाइक्स, 134 आर वॉचिंग. एवरीवन प्लीज गिव प्रेस लाइक बटन. ओके, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, असम इज द राइट आंसर. यस प्रथमेश, अ लॉट ऑफ पीपल राइट.
बीपल शाहिद, कई सारे लोग, आई कैनॉट टेक एवरी वंस नेम, आशुतोष, ए लॉट ऑफ पीपल आर राइट, ठीक है, रितिका एंड ऑल दैट. सो हिमा दास अपॉइंटेड एज DSP इन आसाम पुलिस, ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर इट, इट्स इंपॉर्टेंट. शी इज फेमसली कॉल्ड एज धिंग एक्सप्रेस. कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि उनको फेमसली क्या कहते हैं. सो शी इज फेमसली कॉल्ड एज धिंग एक्सप्रेस. ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. विच सीज इंडियन प्रीमियर लीग टीम ऑफ पंजाब द किंग्स 11 पंजाब हैज बीन रीनेम्ड एज? पंजाब रॉयल्स, पंजाबी चैलेंजर्स, पंजाब किंग्स, पंजाबी बादशाह, नन ऑफ द अबव. IPL की टीम है, उसको किंग्स 11 पंजाब जिसका नाम था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? एनी गेस गाइस? ओके, आई थिंक यू कैन आंसर इट, दीज दोज हु आर स्पोर्ट्स लवर कैन आंसर इट. येस, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, पंजाब किंग्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. एंड येस, यू कैन सी इट हियर, पंजाब किंग्स हो गया ये. किंग्स 11 पंजाब ऑट फॉर नेम चेंज टू बी कॉल्ड पंजाब किंग्स. यस, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया. अंकत, अंशु, गोहर, मोहम्मद, रितिका, ध्रुव, प्रथमेश, ए लॉट ऑफ पीपल राइट सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. येस, बिफोर मूविंग ऑन, वी आर हैविंग सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. वी आर हैविंग अ क्लैट 2023 प्रोग्राम. अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट, वी आर हैविंग बैचेस फॉर दैट. 400 प्लस लाइव इंटरेक्टिव सेशन, 80 प्लस मॉक, 400 प्लस PDF, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन. अगर कोई क्वेरी है इस नंबर पर, इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं. प्लीज रिमेंबर, वी आर प्रोवाइडिंग अ 50% ऑफ, एज आई हैव टोल्ड यू इन द इनिशियल पोर्शन ऑफ द क्लास. यूज द कोड MISSION50 टू गेट 50% ऑफ. ओके, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच सीज विच इंडियन स्टेट असेंबली प्लेड द नेशनल एंथम आफ्टर ऑलमोस्ट 60 ईयर्स. योर ऑप्शन आर मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम. दीज आर ऑप्शन. कौन से इंडियन स्टेट असेंबली ने पहली बार 60 साल में पहली बार नेशनल एंथम को सिंग किया है? नेशनल एंथम, आई होप यू आर अवेयर, जाना गाना मना, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, योर ऑप्शंस आर मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम. ओके, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस, अ लॉट ऑफ पीपल राइट नागालैंड. बहुत सारे लोगों ने, प्रथमेश, उमा, गोहर, शाहिद, शिवानी, अंशु, मोहम्मद, नीलोफर, ए लॉट ऑफ पीपल राइट. नागालैंड असेंबली प्लीज नेशनल एंथम फॉर फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 60 ईयर्स. सो वेयर इज नागालैंड? हेयर इज इंडिया, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन इज नागालैंड. द कैपिटल सिटी इज कोहिमा. ओके, सो यस, सुधीर, सैयद, उत्तम, अनम खान, अंशिता, अंशिका, ए लॉट ऑफ पीपल राइट. ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. विच सीज एशियाज बिगेस्ट कैटल पार्क वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? योर ऑप्शन आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, UP, मध्य प्रदेश. एशिया का एक बिगेस्ट जो कैटल पार्क है, कैटल पार्क, वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया, किस स्टेट में? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, यूपी में, या मध्य प्रदेश में? ओके, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, तमिलनाडु इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. एशियाज बिगेस्ट लाइफ स्टॉक इंस्टीट्यूट टू बी ओपन इन सालेम ऑन फरवरी 2022. देखो यहाँ पे है, दिस इज इंडिया, हेयर इज तमिलनाडु, एंड हेयर यू विल फाइंड सालेम. येस, ए लॉट ऑफ पीपल आर राइट, आई थिंक ए इज द राइट आंसर. सो तमिलनाडु इज द राइट आंसर, ठीक है. यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे आपको सालेम मिलेगा. देखो, येस, गोहर कौर इज राइट, गोहर कौर अंदावा इज राइट. ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? योर ऑप्शन आर कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र. इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस स्टेट में, किस राज्य में शुरू की गई? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, या महाराष्ट्र में? येस गाइज, एवरी वन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. एक बार, वी आर सीइंग ओनली 66 लाइक्स, एटलीस्ट 100 प्लस लाइक्स शुड बी देयर. एवरी वन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. ओके, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑफकोर्स डी, केरला इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो प्रतीक उदय, अंकित, शाहिद, अलॉट ऑफ अमनदीप, उत्तम यादव, ए लॉट ऑफ पीपल राइट. इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कम्स अप इन केरला. देखो, केरला लिटरेसी में हाइएस्ट है, लिटरेसी रेट इज हाइएस्ट, राइट. सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, ये आपको याद कराने के लिए बता रहे हैं कि अगर आप याद रखना कि हाँ लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, तो ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी, वही सबसे पहले खोलेगा. सो दिस इज द लॉजिक, यू कैन रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ अ लॉजिक, ठीक है. तो याद रहेगा एग्जाम में कि सर ने ऐसे याद करके बताया था. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच इज विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग टू लॉन्च अपडेटेड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? योर ऑप्शन सर अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट.
किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने नीति आयोग के साथ मिलकर के एक अपडेटेड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया है या स्टार्ट किया है? अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, दीज आर योर ऑप्शंस। ओके गाइज, द राइट आंसर, गाइज एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। Yes, the right answer is of course C, Flipkart is the right answer to this question. You can see it here on their website, Niti Aayog, Women Entrepreneurship Platform, Flipkart, Fikki and others are also. So, ye logon ne milkar ke ek updated Women Entrepreneurship Platform established kiya hai. Okay, so it is a January news, just remember it guys. Yes, a lot of people write, bahut sare logon ne answer kiya hai. Yes, Shivani, Anam, Payal, Sudhir, Amandeep, bahut sare Guhar, Afaq, शिवानी, आरुषि, ज्योत, दिव्यज्योत कौर, अमनदीप, यस, सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच सीज हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा। योर ऑप्शंस आर करण जौहर, सुभाष गई, विधु विनोद चोपड़ा, यश चोपड़ा या महेश भट्ट। किसने ये किताब लिखी है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, ये किताब किसने लिखी है? करण जौहर ने, सुभाष गई ने, विधु विनोद चोपड़ा, यश चोपड़ा या महेश भट्ट। And the right answer to this question is C. Vidhu Vinod Chopra is the right answer to this question. So he is a filmmaker, very famous one, Vidhu Vinod Chopra, Unscripted Conversation on Life and Cinema. So C is the right answer to this question. Shahid, Anam Khan, Anshika, Prathmesh, Mohammad Shahid, Bipul, a lot of people right. Yes, Tripti Tiwari, Mr. Sehgal, कई सारे लोग सही हैं, आप सबका नाम नहीं ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपेरेटिव कॉमन्स लॉ परस्पेक्टिव। योर ऑप्शंस आर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस डॉक्टर अभिषेक मनु संघवी, खगेश गौतम, प्रोफेसर खगेश गौतम या बोथ सी एंड डी। सो लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, दिस करेंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स। The Law of Emergency Powers Comparative Common Law Perspective किसने लिखी है? The right answer to this question is yes, Vivek is right, Sudhir, Amandeep, Ultraviolet, Vivek Kashyap, Pratik Singh, a lot of people are right. Yes, E, yani C and D both are right. So yes, it has been written by Dr. Abhishek Manu Sanghvi and Professor Khagesh Gautam. So he is a very famous Congress spokesperson, आपने इनका नाम सुना होगा। So both have written this book, The Law of Emergency Powers Comparative Common Perspective, Law Perspective, ठीक है? From bar and bench you can see. Okay, the next one is question number 18, which says who has authored the book titled The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India. Your options are Salman Khurshid, Wajahat Habibullah, S.Y. Qureshi, Rajendra Sachar, Shashi Tharoor. So ye kitab kisne likhi hai? The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India. Ye kitab kisne likhi hai? Aapko batana hai. Salman Khurshid ne, Wajahat Habibullah ne, S.Y. Qureshi ne, राजेंद्र सच्चर या शशि थरूर। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, एस वाई कुरैशी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ही इज एस वाई कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यस, ए लॉट ऑफ पीपल राइट, गौरव, प्रतीक, अनिलोफर, आर्यन कुमार, अल्ट्रा वायलेट, श्रुति, बहुत सारे लोग सही आंसर है। सो द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम, ये उनके बुक का छोटा सा पार्ट है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रतीक, आर्यन, मोहम्मद शायद, ए लॉट ऑफ पीपल राइट। द क्वेश्चन नंबर 19 सेज हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड 10 लेसन फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड। योर ऑप्शंस आर फरीद जकरिया, नंदन निलेकानी, मोहम्मद जीशान, के एस विजयनाथ, माधव भंडारी। किसने ये बुक लिखी है, 10 लेसन फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड? फरीद जकरिया ने, नंदन निलेकानी ने, मोहम्मद जीशान ने, के एस विजयनाथ ने या माधव भंडारी ने? ये किताब किसने लिखी है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, फरीद जकरिया। ही इज एन इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट, ऑफ कोर्स हिज फादर वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट, रफीक जकरिया उनका नाम था। सो फरीद जकरिया, ही इज राइट नाउ द एडिटर एट लार्ज ऑफ टाइम, और बहुत सारे जगह रह चुके हैं। यस, आर्यन, गौरव, अ लॉट ऑफ पीपल राइट, हमजा, दीपांशु, स्वाति, आर्यन, अमनदीप, सुधीर, ए लॉट ऑफ पीपल राइट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसलिए मैंने सारे, कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर हमको सारे ऑथर याद नहीं होते, इसलिए मैंने सारी किताब, जितने सारी किताब नहीं दिखा है, जो इंपॉर्टेंट हमको लगा है सिर्फ वही हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं। सो दैट कम मेहनत में, इन लेस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, यू शुड गिव हाई अमाउंट ऑफ रिजल्ट। सो दिस इज माई डिजायर कि आप कम मेहनत से ज़्यादा पालो, राइट? द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच इज हु बिकम्स द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स, सरपासिंग अमेज़न्स जेफ बेज़ोस। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जोंग शानसांग, बर्नार्ड अर्नॉल्ड, मार्क ज़ुकरबर्ग, दीज आर ऑप्शंस। ऑफ कोर्स ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के हिसाब से इलॉन मस्क जो है रैंक वन पे, ठीक है?
So different companies, so Time comes up with their own ranking, Horoon, Rich List comes up with their own ranking, Bloomberg comes up with their own ranking. So sab log apna apna alag alag ranking nikalte hain. So according to Bloomberg, Elon Musk has got the rank one. Yes. Kai log sahi isme to sabhi sahi hain. So Dheeraj, Shruti, Gaurav. So this guy is Elon Musk, famous for two things. One is called as Tesla Motors, self-driving car, apne se chalne wali gaadi, driver ki bina. Another is a SpaceX, famous for, you can see, it's a space agency, private space agency, hai na? Famous for launching space vehicles. So is dono ke wo malik hai, Elon Musk saab, inko naam yaad rakhna chahiye, bahut mashoor hai. Theek hai, according to Forbes, rank one jo hai, Jeff Bezos ka hai, theek hai? सो ब्लूमबर्ग के हिसाब से इलॉन मस्क रैंक वक्त पे है और जेफ बेजोस जो है फोर्ब्स के हिसाब से. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21 विच सेज हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड. वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट. पहली महिला पायलट जिन्होंने रिपब्लिक डे में परेड में पार्टिसिपेट किया है, अवानी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह, पुनीत अरोरा, शिवांगी. दीज आर ऑप्शन. ये कौन से पहली महिला पायलट है जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है. ओके, राइट नाउ इज द रिचेस्ट. देखो वो जो रिचेस्ट हो वैरी करता रहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रैंकिंग निकालती है. सो ब्लूमबर्ग के हिसाब से अलग, फोर्ब्स के हिसाब से अलग, टाइम के हिसाब से अलग, दे कम अप विद द डिफरेंट रिपोर्ट्स. राइट, सो द राइट आंसर इज बी, भावना कांत इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. यस, अ लॉट ऑफ पीपल आर राइट. भावना कांत बिकम्स फर्स्ट वुमेन फाइटर टू बी पार्ट ऑफ IAF's tableau. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस साल की न्यूज है, 7-8 महीना पुरानी न्यूज है, ज्यादा पुरानी तो है नहीं, तो इसे पूछ सकते हैं. हार्डली 6 or 7 मंथ्स बैक दिस इज अ न्यूज. बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है, लॉट ऑफ पीपल. हम सब का नाम नहीं ले, गोहर, सुधीर, मोहम्मद, ज्योति, कुमकुम, युवराज चौधरी, ए लॉट ऑफ पीपल राइट. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 10-member task force set up by Union Government to evaluate marriageable age of girls, which has submitted its recommendation to PMO and Women Child Development Ministry. Your options are Meenika Gandhi, Jaya Jaitley, Jaya Bachchan, Rekha Chunoy, ya Shreya Bhatia. देखो हुआ ये है कि the minimum age for boys to get married is 21 years. Minimum age girls के लिए जो है वो 18 years है. Minimum age to get married. But the Prime Minister has given a proposal. There is a proposal to increase the age of girls also minimum age from 18 to 21. This is a proposal. एक proposal दिया गया है कि age बढ़ाने के लिए. उसके लिए कौन सी committee बनाई गई है? Yes, very important guys. The right answer to this question is of course B. Jaya Jaitley is the right answer to this question. So B is the right answer. Task force on age marriage for women submitted report to PMO. उनकी committee के chairman है Jaya Jaitley. इस प्रतीक, गौहर, झलक, भव्य, आरती, अनम खान, दस्ता लाइन, जिवजोत कौर, ए लॉट ऑफ पीपल एट सुधीर, आरती, अनम खान. यस, बी इज द राइट आंसर. गाइस एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. आरती, सुधीर, कई सारे लोगों ने आंसर सही दिया है. ज्योति गर्ग, वी आर सीइंग ओनली 88 लाइक्स, 165 इज वॉचिंग. कम से कम 100+ लाइक्स कर दो यार. ओके, 100+. For the first time, a 122-member tribal service contingent of which country participated in Republic Day Parade 2021? ये भी बहुत important है. Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Maldives. यही reason है कि इस साल एक सवाल पूछा गया था गांधी पीस प्राइज से और वो इतना डिटेल में चले गए थे क्लैट में. उसका रीजन आपको समझना है. Yes, guys, understand it. The right answer is B, Bangladesh. Now you have to understand it why Bangladesh Army was present here. ये reason है देखो. This you have to understand it. This year is very special for Bangladesh because in 1971 they got independence. So plus 50 it becomes 2021. Right? तो 50 साल मना रहे. इसीलिए उन्होंने उनके जो father of nation है, their father of nation name is Sheikh Mujibur Rahman. Right? Sheikh Mujibur Rahman पर question डाला था. क्या question था? Who has won Gandhi Peace Prize? When was he assassinated? ठीक है, पता होना चाहिए. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज बंगा बंधु. बंगा बंधु ही इज कॉल्ड एज बंगा बंधु फेमसली. ही इज फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश. प्लीज रिमेंबर इट. ठीक है, ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 15 अगस्त 1975 को. ही इज द फादर ऑफ करेंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना. शेख हसीना इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. उनके पापा हैं ये. प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए सवाल आया था. ठीक है, लोग पूछे सर ये सवाल कहां से पूछ दिया. सर यहां से पूछा है, देखो तो सही. हाँ, द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 24. नजहत शमीम खान हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल.
शी इज़ एन एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू द यूएन. ठीक है, तो होता क्या है कि यूएन डिफरेंट कंट्रीज सेंड्स देयर एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, होता है ना. मैंने कल डिस्कस किया था कि यूएस ने भेजा है लिंडा थॉमस ग्रैनफील्ड को, राइट. सो इंडिया ने भेजा टीएस त्रिमूर्ति को. सो किस कंट्री ने भेजा है इनको, जिनको यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का चेयरमैन ही बना दिया गया. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, फिजी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. यस, ह्यूमन राइट्स इलेक्ट्स नज़र शमीम खान ऑफ फिजी टू सर्व एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर 2021. ओके गाइस, यस रिमेंबर इट, डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो वेयर इज फिजी, लेट मी शो यू, हेयर इज इंडिया, हेयर इज यूएसए, दिस वन इज कॉल्ड एज पैसिफिक ओशन, और इसके बीच में यहाँ पर आपको एक आइलैंड मिलेगा, फिजी आइलैंड. ओके, यस समवन वाज आस्किंग कि यस सर शेख मुजीबुर रहमान, यस शेख मुजीबुर रहमान इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑल्सो. मैंने सब बताया था क्लास में, आई स्टिल रिमेंबर, शेख मुजीबुर रहमान फर्स्ट प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश. ठीक है, आई हेट दिस क्वेश्चन. कोई बंदा लिख रहा है आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो कि अब आगे एग्जाम में, तो जब आगे आने वाला एग्जाम है, एलेट है, जामिया है, बीएचयू है, एमएचसीटी है, उसमें गड़बड़ नहीं हो, इसके लिए आप इंश्योर करें, आप अच्छे से पढ़ के जाएं. हमारी दुआएं हैं, माई प्रेयर्स आर विद यू दैट यू विल क्वालिफाई द एग्जाम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, दीज आर अवर एक्सपर्ट्स फ्रॉम एनएलयू एंड दीज आर अवर अदर एक्सपर्ट्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, माई ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स विद यू ऑल टू गेट गुड मार्क्स इन एलेट. मेरी दुआएं आपके साथ है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले. Thank you everyone. Thank you for watching. And yes guys, please press the like button.